वेलकम टू द आईसीआईटी एडुहब। इस वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो जर्नल एंट्रीज है उसको हम लोग करके बताएंगे। यहाँ पे पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली with effect from 1st April 2017. Following is an extract of their balance sheet as at 31st March 2017. वो लोग एक्चुअली क्या हुआ, उन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो लोग डिसाइड क्या क्या है, 1/4/2017 से वो लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेगा। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में 30,000 और इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू दिया है 50,000 एसेट साइड में। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण जो भी फंड्स होता है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे क्या है, 5 केस है, 5 केस में क्या क्या जर्नल एंट्री होगा वो हम करके बताएंगे। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस 1, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेट क्या देंगे हम लोग 2017 अप्रैल 1, ठीक है। केस 1 में एंट्री क्या होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट रिजर्व पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और 2, बुक वैल्यू घटा नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का घटा नहीं है, मतलब पूरा अमाउंट जो है ये 30,000 ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन कौन है, पी क्यू एंड आर। तो पी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट और आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीनों पार्टनर को हम लोग क्या किए, क्रेडिट कर दिए, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड का जो अमाउंट है इन तीनों का पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। किस रेशियो से करेंगे, ओल्ड रेशियो से करेंगे। ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2:1, यहाँ पे कितना होगा, into 3/6 into 2/6 into 1/6 कितना होगा, पहला वाला होगा 15,000, दूसरा वाला 10,000 और ये तीसरा वाला 5,000। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये होगा केस 1, पूरा हम लोग ट्रांसफर कर दिए। केस 2 में बोला गया है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,00,000, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कितना है, 5,00,000 है, तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है, सेम है। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, सेम जर्नल एंट्रीज करेंगे। केस 2 सेम, एकदम सेम जर्नल एंट्री होगा, क्योंकि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है वो सेम है। बुक वैल्यू भी 5,00,000 है इन्वेस्टमेंट का और मार्केट वैल्यू भी कितना है, 5,00,000। क्लियर, केस 1 केस 2 हो गया। अब केस 3 देखते हैं क्या है। केस 3 में बोला गया है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,88,000, मार्केट वैल्यू कितना है, 4,88,000 और बुक वैल्यू कितना है, 5,00,000, मतलब कितना घटा है मार्केट वैल्यू, 12,000। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, केस 3
केस थ्री में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड जो भी हो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना घटा है, इन्वेस्टमेंट कितना घटा है, 5,00,000 माइनस 488 इक्वल टू 12,000। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहां पे 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके हम लोग क्या कितना लिखेंगे, 12,000। बचा कितना, 30,000 में से 12,000 इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, घट गया है, बचा कितना, 18,000। ये 18,000 हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियोस। फीस कैपिटल अकाउंट 2, क्यूज कैपिटल अकाउंट 2, आर कैपिटल अकाउंट 30,000 माइनस 12,000 18,000 हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो से ही डिवाइड करेंगे, 3/6 2/6 इंटू 1/6 कितना कितना होगा, पहला वाला कितना होगा, 18,000 divided by 6 into 3 9,000 होगा, यहाँ 2 6,000 होगा और 1 3,000 होगा। नैरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, नैरेशन हम लोग सेम ही लिखेंगे, खाली एक एक ठो वर्ड हम लोग एक्स्ट्रा लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक्सेस मतलब ये कितना थे, 30,000, 12,000 इन्वेस्टमेंट घट गया है, 12,000 इन्वेस्टमेंट घटने के कारण बाकी एक्सेस जो है वो तो एडजस्ट हो गया, 12,000 एडजस्ट हो गया, और जो बाकी एक्सेस है 18,000 ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर। केस 3 क्या होगा, 1 डेबिट और 2 क्रेडिट होगा। केस 4 में देखते हैं क्या, क्लियर। तो केस 4 में क्या है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,46,000, मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 4,46,000, बुक वैल्यू कितना है, 5,00,000, तो कितना घटा है, यहाँ पे करते हैं 4,46,000 मतलब 54,000 घटा है, कितना घटा है, 54,000 घटा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, ये 4 है ना, केस 4 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 ही होगा, यहाँ थोड़ा काटना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा कितना, 24,000 ठीक है, और क्या होगा, 2 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना कितना भी घटा है, इन्वेस्टमेंट 54,000 ठीक है। इस केस में हम लोग नैरेशन क्या लिखेंगे, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड शॉर्ट फॉल चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नैरेशन हम लोग लिख देते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड शॉर्टफॉल शॉर्टफॉल चार्ज्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मार्केट वैल्यू घटा है इन्वेस्टमेंट का वो हमने क्या किए एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो क्या किए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ हम लोग 30,000 एडजस्ट कर लिए, और जो शॉर्टफॉल हुआ मतलब जितना हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, कितना नहीं कर पाए 54,000 का क्या है फॉल है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट, रिजर्व कितना है 30,000, तो 30,000 तक हम लोग एडजस्ट कर लिए, बाकी कितना बचा कितना हम लोग नहीं कर पाए 24,000 वो हम लोग क्या कर दिए रिजर्व अकाउंट में चार्ज कर दिए, ठीक है। इसका केस स्कोर का ये रोमा 1 जनरल इंटर रोमा 1 और एक जनरल होगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आते हैं रोमा 2, इसका ही केस 4 का रोमा 2, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किए थे डेबिट किए थे, इस बार हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो हम लोग पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना हुआ था शॉर्टफॉल 24,000, यहाँ पे रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे 24,000 इनटू ओल्ड रेशियो 24,000 इनटू 2/6 24,000 इनटू 1/6 कितना होगा 24,000 डिवाइडेड बाय 6 इनटू 3 इक्वल टू इसमें आएगा 12,000 डेबिट 12,000 डेबिट इसमें 8,000 डेबिट और इसमें 4,000 डेबिट, ठीक है। फटाफट राइट डाउन कीजिए नेशन क्या होगा, ये एक्चुअली क्या है लॉस हुआ, जितना रिजर्व हम लोग किए थे उससे ज्यादा क्या हुआ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट गया, मतलब जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा वो क्या है लॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे नेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फटाफट टोन डाउन कीजिए। ठीक, तो ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ है वो क्या किए ट्रांसफर कर दिए, कहां किए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किए, किस रेशियो से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, हम लोग जब प्रॉफिट होगा तब भी वो लोग क्या करेगा हिस्सा लेगा, जब लॉस होगा तब उन लोगों को भी बियर करना पड़ेगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस 4 कंप्लीट, केस 5 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। केस 5 में क्या है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
इज रुपीज 5,06,000। इसका मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है कि घटा है? इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 6,000 रुपया बढ़ा है। इस केस में हम लोग जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट घटा नहीं है तो जो रिजर्व का अमाउंट है वो क्या होगा? रिजर्व का अमाउंट पूरा ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो से? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। केस 5, एक रोमन क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितना करेंगे? 30,000, क्योंकि पूरा ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाए। 2, पीज कैपिटल अकाउंट 2, क्यूज कैपिटल अकाउंट, और 2 क्या होगा? आर कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो कितना? 30,000 इंटू 3/6, 30,000 इंटू 2/6, 30,000 इंटू 1/6। पी को कितना मिलेगा? 15,000, 10,000 और 5,000। नैरेशन नहीं लिखा रहे क्योंकि फर्स्ट वाला जो जर्नल हम लोग किए थे, फर्स्ट और सेकंड, उसमें जो नैरेशन है सेम होगा क्योंकि पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। रोमा 2 में क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बड़ा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बड़ा है। जर्नल क्या करेंगे? केस 5 का रोमा 2, इन्वेस्टमेंट बड़ा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो क्या होगा? कहां क्रेडिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बड़ा है? 6,000। नैरेशन क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 6,000 रुपया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है। हम लोग पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल एंट्रीज में क्या सीखे थे? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, देन डेबिट करेंगे हम लोग। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक एसेट है, उसको डेबिट किए, और क्रेडिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये क्या हुआ? एक्चुअली प्रॉफिट हुआ। अब ये जो रिवैल्यूएशन का है, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, उसको डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट आर कैपिटल। कितना? 6,000। इस सब में किस रेशियो से डिवाइड होगा? ओल्ड रेशियो से ही होगा।
by 6, 6000 into 2 by 6 into 1 by 6. फर्स्ट कितना होगा? 3000, 2000 और 1. नेल्सन क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक, जो लॉस लिखे थे उसको लॉस की जगह हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट लिख देंगे. ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे इन केस ऑफ फॉल और इंक्रीज ऑफ मार्केट वैल्यू. थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही.